इस वीडियो को बनाने बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप कैसे बना सकते हो, नाम आर्ट वाली वीडियो, इस प्रकार की वीडियो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल होती है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम ऑडियो फॉर काइन मास्टर एप्लीकेशन। और आपको आगे का प्रोसेसिंग आगे बताता हूँ, भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है मंगला चौहान और आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्ट। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने में जो छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस नहीं हो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो हेलो गाइस, आ गए अपन काइन मास्टर एप्लीकेशन में। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ये प्लस आइकन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में नो ये 16.9 वाला रीशू ले लेना है। ये वाला रीशू लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, या मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो वीडियो लेके आ जाना। तो ये वाली वीडियो, इस वीडियो को लाने के बाद में आप यहाँ पे ओके करना है। ये वीडियो आ गई, यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के बाद में यहाँ फिर से लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। तो टेक्स्ट वाले में जो भी आप टेक्स्ट लगाना चाहते हो, एस वाई जेड कुछ भी, तो मैं यहाँ पे एस लगा लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ एस लगा दिया। एस लगाने के बाद में इसकी भी लंबाई बढ़ा देते हैं वीडियो के बराबर, और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इसको वापस ओके करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो कर सकते हो, ये भी रखना चाहते हो रख सकते हो। तो मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ डबल ए पे क्लिक करना है आपको। डबल ए पे क्लिक करोगे या देखिएगा बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। अगर आपको फिर कोई दूसरे फ़ॉन्ट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं फिलहाल ही डाउनलोड किया हुआ मेरे डिस्प्ले में जाके, ये वाला फ़ॉन्ट मेरे को अच्छा लगता है तो ये वाला ओके कर लेता हूँ। मेरे देखिएगा फ़ॉन्ट इस प्रकार से हो जाएगा। इसको जैसे लगाना चाहते हो लगा दीजिए, मैं थोड़ा इसको तीछे कर लेता हूँ। करने के बाद में इसको इस प्रकार सेट कर लेता हूँ, फिर यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद में इसी टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो कलर यहाँ पर रेड रख लेता हूँ। ये कलर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ कलर वाले बहुत सारे आ गए, तो यहाँ पर जो भी कलर रखना चाहता रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आपको रेड ही रखना है ताकि इसका बाद में कलर वगैरह और इफेक्ट डालेंगे इस पर अच्छे अच्छे। फिर आपको क्या करना है, इस पर ताज लगाना है। जो आपने जो फ़ॉन्ट लगाया था ना, उस पर आपको ताज लगाना है। जो अभी ये अक्षर है एस, उसके ऊपर ताज लगाना है। तो लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ में ये लेके आ जाना ताज वाला। इस वीडियो का, इस फोटो का लिंक भी आपको ताज वाली का डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहाँ से आप लेके आ जाना यहाँ से। फिर इसको यहाँ से अच्छे से आप जब जैसे एडजस्ट कर लेना, इसको थोड़ा छोटा बड़ा करके इसको इस प्रकार से लगा देना। लगाने के बाद में और इसकी भी लंबाई बढ़ा देना है आपको वीडियो के प्रॉपर, और यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसको गैलरी के अंदर सेव कर लेना। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, इधर साइड में एक शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर ओके करना है। यहाँ 720 रख लेता हूँ और इधर 60 रख लेता हूँ और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद में आगे का प्रोसेसिंग दिखाता हूँ आगे क्या करना है। सो ओके गाइस, एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, दो बार बैक का बटन दबाना और बैक आ जाना। फिर से यहाँ पर प्लस आइकन पे इस पर क्लिक करना है। 16.9 वाला रीशू ले लेना। रीशू लेने के बाद में आप क्या करना है, आपको मीडिया पे क्लिक करना है और एक वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो ये वाली वीडियो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का वीडियो, आपको थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ। तो इस प्रकार का वीडियो, अब आपको क्या करना है, फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है, लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। जो अभी आपने एक्सपोर्ट की उस वीडियो को लेके आ जाना है यहाँ पे, तो मैं उस वीडियो को लेके आ जाता हूँ। तो ये देखिए कि जो एक्सपोर्ट की उस वीडियो को लेके आ जाना है, फिर यहाँ से आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद में इसको इस वीडियो पे फिर से क्लिक करना है और इसे इस प्रकार से आप बड़ा कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद में यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद में इस वीडियो को आपको फिर से क्लिक करना है, नीचे जाना है, क्रोमा की ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और इसे अनेबल कर देना। और यहाँ की कलर में देखिएगा, यहाँ पर आपको रेड कलर ही सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर देना, ताकि आपका रेड कलर हाइड हो जाएगा और आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब आपको जो पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट है, देखिए ऊपर वाली वीडियो में जो पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको आपको रिमूव हटाना है पीछे का जो एक्स्ट्रा पार्ट। तो आपको क्या करना है, वीडियो के यहाँ पर नीचे वाली वीडियो, उसके एंड के पोजिशन पर जाना, वीडियो पर क्लिक करना, कैची वाले पर क्लिक करके इसको ट्रिम टू राइट कर देना प्लेट, तो इसका पीछे का पार्ट एक्स्ट्रा कट जाएगा। अब आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से बन गया है, आपको एक बार चला के दिखाता हूँ। तो आपकी वीडियो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, देखिए कितना अच्छा वीडियो बना है। इस प्रकार से आप वीडियो बना सकते हो, बहुत ही नाम आर्ट वाला वीडियो इस प्रकार से बन जाएगा। अब आपको इसके अंदर गाना वगैरह लगाना चाहते हो, टिकटॉक से आप कोई सा भी गाना लेके आप इसमें लगा सकते हो। तो मैं एक गाना लेके लगा के दिखा देता हूँ आपको कैसे लगाना है, ताकि आप कोई सा भी गाना लगा सकते हो। तो यहाँ से मीडिया पे क्लिक करता हूँ मैं फिर से, और जो भी मेरे को गाना पसंद है तो वो गाना लेके आ जाता हूँ। तो मैं पहले ही यही वाला वीडियो लेके आ जाता हूँ। इस वीडियो को लाने के बाद में देखिएगा,
मैं ये इसी वीडियो का मेरे को साउंड निकालना है। साउंड निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कैंची वाले पे क्लिक करना है और नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है एक्स्ट्रा ऑडियो, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे नीचे ऑडियो निकल के आ गया, देखिएगा। अब आपको इस वीडियो का कोई काम नहीं है, इस वीडियो पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद में ये साइड में देखिएगा थ्री डॉट के ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर ओके करना है और वीडियो डिलीट हो जाएगी। नीचे साउंड वगैरह भी आ चुका है, देखिएगा एकदम परफेक्टली, ये देखिएगा साउंड भी ऐड हो गया है। अब आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताता हूँ क्या करना। अब आपको इसको गैलरी के अंदर सेव करना, फिर से आपको शेयर में शेयर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और रेजोल्यूशन रख देना। आपको 720 रख देता हूँ, इधर 60 रख देता हूँ और आप इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये तो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी, उसके बाद में चला के बताऊँगा वीडियो किस प्रकार से बनी है। सो ओके गाइस, वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है। अब आपको एक बार चला के दिखाता हूँ वीडियो किस प्रकार से बनी है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।